बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर एक छोटा सा गांव था। उस गरीब गांव में एक गरीब परिवार का लड़का था बरासर। अपने पिता के साथ रहता था। वो कम आयु में ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाता था। लेकिन तो जीवन भर मिट्टी का बर्तन बनाएगा? ऐसा आपको छोड़ के पढ़ाई में मन दे बेटा। सुन, जल्दी से तैयार हो जाओ, कल सुबह ही हम लोग रवाना होंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर में, ऋषि मुनि के आश्रम में। वहाँ जाके तुम अस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? मैं केशव हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ, शिवपुर से आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपने चरणों में रख लीजिए गुरुदेव। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा कुम्हार बनकर रहे, ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बने। ठीक है ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव, वो मेरे पास रहेगा। उसके बाद ऋषि मुनि के आश्रम में परासर ज्ञान प्राप्त करने लगे। आश्रम के सभी बालकों में से परासर सबसे ज्यादा ज्ञान में अव्वल था। तुम्हें गुरुदेव बुलाए हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। यह है चंद्रपुर के महाराज चंद्रसेन। ये बड़े संकट में पड़कर आए हैं। क्या हुआ है? कुछ दिनों से चंद्रपुर पर एक समस्या अनपरी है। राजमहल से, नगरों से दिन पे दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं? पता नहीं। तुम लोग बुद्धिमान हो, वीर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। क्या करना होगा बताइए। ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने पास रखो। मुसीबत में काम आएगा। और ये लो परासर, ये अपने पास रखो, अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम लोग पश्चिम के जंगलों की तरफ निकल पड़ो, वहां जाके भृगु से मिलना। भृगु कौन है? वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं। क्या घटना है वो तुम दोनों को बता सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। किस लिए तुम दोनों यहाँ आए हो? ऋषिवर, चंद्रपुर के प्रजाएं बहुत ही मुसीबत में पड़े हैं। वहाँ के लोग जब तब लुप्त हो जा रहे हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा के ओर 20 कोस दूर एक दानव नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंद्रनगर के लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं और उनको अपना आहार बना रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहां जाना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ। उसके बाद परासर और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े दानव नगरी के ओर, ऋषि मुनि के बातों के अनुसार। हाँ, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली खाली क्यों है? पूरा खाली है। बचाओ 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 मुझे, मेरी रक्षा करो, बचाओ। अरे वो देखो,
पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। लीजिए लीजिए, बाहर निकल जाइए। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता, स्वर्ग की अप्सरा। दानव मुझे छोटी सी गुड़िया बना के पिंजड़े में बंद करके रखा था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग उसे मारने आए हैं। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं। इस महल के नीचे एक काली माँ का मंदिर है। उस काली माँ के हाथ में एक स्वर्ण दंड है। उसी दंड में उस दानव का प्राण है। उस दंड को तोड़ दोगे तो दानव मर जाएगा। ये पूजा खत्म होने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो? यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोगों का इतना बड़ा हिम्मत? हेलो, दोस्त, वो दंड तोड़ दो। ये ले शैतान। यहाँ पे लेकिन महाराज, दानव को मरने के लिए इन दोनों को वीर नहीं कहा जा सकता है महाराज। बेताल, दानव एक मायावी था, इसीलिए उसे मारने के लिए दोनों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किए, इसलिए दोनों को वीर कहा जा सकता है। समझे बेताल? इसलिए अब मैं चला महाराज। शैतान लड़के, छुप छुप कर खाना चोरी करता है तू? नहीं फूफा जी, मैं खाना खाकर अपने भूखे पेट का मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है? अभी अभी तेरा मदद कर रहा हूँ, डंडे से तेरे पीठ पे मार मर के। ओए ओए बंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पत्थर मारने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पत्थर मारकर उस आम को तोड़ूंगा हूँ। ये तेरे बस का नहीं है। देख, एक पत्थर मारकर मैं इस आम को तोड़कर तेरे सामने छिलकर खाऊंगा। मैं तेरा मदद कर देता हूँ आम तोड़ने में। ए, तूने क्या किया हमदा? मेरा मटका तूने तोड़ दिया। चल, मैं तेरे फूफा से शिकायत करूंगा। तेरा फूफा तुझे मारेंगे। मैं यहाँ से भागता हूँ। बुंदा, मरने मुझे पकड़ के फूफा जी के पास भागो। अब तू मेरे हाथों से छुटकर कैसे बचेगा? डकैती करता है तू? फिर से कहीं चोरी करेगा तू? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। ये क्या, इस बेचारे को ऐसे क्यों मर रहे हैं? उसका मदद करना होगा मुझे। कैसे कैसे करूं? ओ रहा, वहाँ पे एक ईंट गिरा हुआ है। ये क्या हुआ? सर पे ईंट गिर पड़ा, और क्या हुआ? उस आदमी को अकेला देखकर मर रहे हो? शैतान लड़का, कहीं का इतना मुश्किल से मैं उस डाकू को मैं पकड़ा था, और तूने उसे डाकू? हाँ, वो एक नामी डाकू है, उसे मैं बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था,
लेकिन तेरे वजह से वो भाग गया। अब मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। भागो भागो। आज पता नहीं क्या हुआ है, जिसका मैं मदद करने जा रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। क्या करूँ मैं अब, क्या करूँ? क्या रे हंदा, दौड़ दौड़ के तेरा पेट भर गया है क्या? देख बुंदा, मुझे परेशान मत कर, किसी का ना किसी का मदद करके मैं घर जाऊंगा आज, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुझे आज बाहर ही रहना होगा। आइडिया आइडिया। देख बुंदा, मैं उस आदमी का मदद करूंगा आज, अब मैं उसके पास जाता हूँ। सुनिए भैया, सुन रहे हैं? मैं आपका मदद कर दूँ, दीजिए मैं मिट्टी खोद देता हूँ। अच्छा बेटा तू है, चल चल सीधे थाने, चल चल मेरे साथ। मैं यहाँ खड़ा था उस डाकू को पकड़ने के लिए, वो डाकू तो नहीं मिला लेकिन तू मिल गया मुझे, चल चल मेरे साथ। अच्छा हुआ, ये है गोपाल फाड़। जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र। राम प्यारे, श्याम प्यारे, अब तुम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। वाह सुंदर, अति सुंदर। तो महाराज, हम दोनों को दक्षिणा देकर जल्द से जल्द विदा कीजिए, हम लोग अपने घर वापस जाएं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार और तनख्वाह दिया ही नहीं। अरे बाप रे, इतनी सी दक्षिणा के लिए ऐसे बोल रहे हैं? अगर मुहर मांग लेते तो न जाने आप क्या करते महाराज। धक्के मार कर राजसभा से बाहरी कर देते। हाँ अच्छा, ऐसा करेंगे? हाँ महाराज। तुम लोग अभी मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, तुम दोनों को मैं अपने राज्य में कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ, दिखाई दिए तो मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज माफ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई है। महाराज माफ कर दीजिए, तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। पहरी। आदेश महाराज। इसी वक्त इन दोनों को नगर से बाहर कर दिया जाए। पहरी। जो आज्ञा महाराज। नगर में इतना नाम, इतना शोहरत और अंत में जंगल में आकर गिरा। हाँ, हाय हाय हाय। भाई अब क्या करेंगे हम लोग? रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा शाम होने दो। शाम को छुप कर हम दोनों गोपाल से जाकर मुलाकात करेंगे। महाराज बहुत अच्छे मनुष्य हैं, तुम लोगों के छोटी हरकत के कारण महाराज तुम लोगों से गुस्सा हो गए हैं। सुनो छोड़ो सब, जो हुआ हुआ, कल सुबह जब महाराज नगर के लिए निकलेंगे तब जाकर। क्या समझ गए मेरी बात? भैया आम कैसे दे रहे हो? 1 रुपए किलो। ठीक है ये लो। महाराज वो देखिए, गाने बजाने वाले दोनों आपके आदेश को न मानते हुए अभी भी अपने नगर में घूमते नजर आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ पहरी, तुम दोनों को नगर से बाहर कर दिया था,
फिर भी तुम लोग इसी नगर में भ्रमण करते दिखाई दे रहे हो। हाँ, क्या हुआ, अभी भी राज्य त्याग नहीं किए हो? महाराज, आप हमारे अन्नदाता हो, हम लोग आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं महाराज? हाँ, अब आप ही बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा है कि सारी रात घूमते रहे लेकिन आपके राज्य की सीमा को हम लोग पार नहीं कर सके महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि राज्य की सीमा को न ढूंढते हुए सीधा आपके पास आ जाऊं। आप तो हमारे माता पिता समान हैं, सीने में जगह नहीं देंगे, चरणों में तो जरूर देंगे। ये जो बात तुम लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो या किसी ने सिखाया है तुम्हें? गोपाल, अब समझा, ये गोपाल का ही किया कराया है। गोपाल अगर तुम लोगों से खुश है तो मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ तुम लोगों से? सच में गोपाल, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिए। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार, ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम भी तो ठीक बोल रहे हो, चल कर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चल कर उसको देखते हैं। अरे वो देख, मंगल पांडे, पुलिस उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है, देखो तो। हाँ चलो उससे चलकर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल, ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या, एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टब्बू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख मैं ले आया। वाह बहुत अच्छा किया, चलो चलो हमारे साथ, अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो चल। ठीक है, अब चलो चलते हैं। ये देखो मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है, आप हमारे सत्ता को छोड़ दो। हाँ हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे, अभी हमारा सत्ता को छोड़ो। हाँ ठीक है, तो ये लो। एक ये तो हमारा सत्ता नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है। तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे, तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ बंदूक कैसे चलेगा? हाँ कैसे? ये क्या, गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स अप। चलाकी करने से कोई फायदा नहीं है, अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। पकड़ा के
हुर्रे 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 ह